मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा YouTube चैनल। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम बनाने वाले हैं ऑयल पेंटिंग। तो इस वीडियो में आप देखेंगे जो मेरी ओल्ड पेंटिंग थी वो इनकम्प्लीट थी, तो यहाँ पे आज उसको शुरू कर रहे हैं और इसकी आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जो भी चीज़ मैं इसमें करूँगा वो चीज़ आपको भी दिखाऊँगा। देखते हैं किस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। और एक पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, एक पार्ट रह गया है। तो आप देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे इस वीडियो में आप देखेंगे क्लोथ्स किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से उसमें फर्स्ट लेयर ऐड करेंगे आप और उसके बाद सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फाइनल लेयर। तो देखते हैं किस तरह से प्रोसेस होती है ऑयल पेंटिंग की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ना कुछ जानकारी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलने वाली है। तो सबसे पहले ऑयल पेंटिंग बनाने के लिए आप देखेंगे किस तरह का आपका जो रेफरेंस पिक्चर है, जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं उसमें क्लोथ्स किस कलर के हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। उनकी जो हाईलाइट है, उनकी जो डेप्थ है, उनकी जो डार्क शेड है उसको आपको देखना है। पहले मेजरमेंट लेनी है उसकी, आँखों से अपनी देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। तो इतना पॉइंट आउट करने के बाद आप अपने कैनवास पे उसको अप्लाई करेंगे डार्क कलर को और लाइट शेड को। इस तरीके से अप्लाई करना है आपको, आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ही स्लो। और आपको सबसे पहली लेयर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लगानी है कि आपको बिल्कुल डार्क और लाइट शेड का अंतर यहाँ पे मालूम हो रहा होगा। तो इसी तरीके से आपने प्रोसेस करती रहनी है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैट ब्रश और ऑयल कलर। तो सबसे पहले अपनी पेंटिंग्स में हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर अप्लाई करेंगे और बहुत ही ध्यान से करनी है। आपको जितना टाइम देना है वो फर्स्ट लेयर में देना है। आपको उसको अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करके उसके डेप्थ वाले पार्ट, उसके लाइट वाले पार्ट को अच्छी तरीके से जितना भी टाइम आप दे सकते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देख के उसको बनाना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, जो हमारी जो साड़ी का पल्लू है उसको हमने किस तरह से बनाया है। उसके जो कट्स हैं, उसके जो फोल्ड्स हैं, जो क्लोथ्स के फोल्ड रहते हैं उनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पे फोल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ऑयल पेंटिंग करते हैं या कोई सी भी पेंटिंग करते हैं, तो फोल्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप क्लोथ्स को बनाते हैं। तो फोल्ड के एक एक पॉइंट को आपको देखना है, कहाँ पे आपकी ज़्यादा लाइट आ रही है, कहाँ पे डेप्थ है उसकी और कहाँ से उसमें गोलाई हो रही है। तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको जब बनाएंगे तो आप उसको फ्लैट सरफेस दे देंगे। उसमें गोलाई भी आनी चाहिए, जहाँ पे वो फोल्ड हो रहा है उसकी गोलाई को मेंटेन आपको रखना है। उसमें आपको देखना है, यही चीज़ है देखने वाली कि उसमें कितने सारे शेड्स यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। तो एक मैं अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा किस तरह से आपको फोल्ड्स के बारे में बताऊंगा कि उसके फोल्ड कैसे होते हैं क्लोथ्स के और उसमें कहाँ पे लाइट आती है, कहाँ पे डार्कनेस आती है। तो ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ का जो पार्ट है उसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, फर्स्ट लेयर लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसमें वाइट का मिक्सचर, जो भी लाइट हमारी पड़ रही है उसमें वाइट दे दे रहा हूँ और जो डार्क एरियाज़ हैं, जो डेप्थ गोलाई वाले एरियाज़ हैं उसमें थोड़ा सा डार्क ग्रीन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे फर्स्ट लेयर लगाते हैं। उसके बाद जब ये फर्स्ट लेयर आपकी ड्राई हो जाती है, उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड लेयर में काम करते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे छूट चुकी हैं हमारी, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं फर्स्ट लेयर में, उनको हम सेकंड लेयर में इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, कलर को मिक्सिंग करते हैं। फर्स्ट लेयर में आप मिक्स ज़्यादा ना कीजिए, आप सेकंड लेयर में उसको मिक्स कीजिए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारे फर्स्ट लेयर में कमियाँ रह गई हैं उनको हम सेकंड लेयर में दूर करते हैं। तो इसी तरीके से आपको कम्प्लीटली जो भी आप, फिर उसके बाद जब सेकंड लेयर आपकी कम्प्लीट हो जाती है, सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, उसके बाद आप थर्ड लेयर यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उससे जो है जितनी ज़्यादा लेयर का यूज़ आप करेंगे ऑयल पेंटिंग में, उतनी ज़्यादा चमक आपकी जो डेप्थ है उसकी, जो ओरिजिनलिटी है पेंटिंग्स की, वो निकल के आती है, उभर के आती है पेंटिंग। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि लेयर वाइज लेयर आपको यहाँ पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट लेयर में ही यहाँ पे कंप्लीट कर देना है अपने पेंटिंग्स को। तो इस तरीके से अगर आप फर्स्ट लेयर में ही कंप्लीट करेंगे तो इतनी अच्छी उसमें जो चमक है वो नहीं आ पाती है, इतनी ज़्यादा डेप्थ, इतनी ज़्यादा ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी अगर आप एक लेयर में उसको वर्क कर रहे हैं। अगर आपको एक ही लेयर में वर्क करना है तो आपको कलर थोड़े से मोटे लगाने पड़ेंगे,
तो आप आला प्राइमा यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कलर एक ही बार में पेंटिंग से कंप्लीट करना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी अच्छी ट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल ओरिजिनल बनाना है तो हमें लेयर बाई लेयर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको रियलिस्टिक बनाना है तो लेयर बाई लेयर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से मैं लेयर बाई लेयर काम करूँगा और इसकी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊँगा। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, जितनी भी लेयर यहाँ पे ऐड करूँगा, सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और नीचे शेयर का बटन है शेयर कर दीजिए, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले वर्क आपका यही रहेगा कि जो भी हमारे फर्स्ट लेयर वाले पार्ट हैं जिनमें आपको आगे सेकेंड लेयर यूज़ करनी है, उनको पहले फर्स्ट लेयर में ही यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है आपको। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर यहाँ पे लगा रहा हूँ हर चीज़ में, उसके लाइट और शेड को देखते हुए यहाँ पे हम फर्स्ट लेयर में ही उसका ध्यान में रखते हुए उसको कि यहाँ पे डार्क शेड आना है, उसको लाइट शेड आना है, वहाँ पे ही फर्स्ट लेयर में ही वर्क कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे जब हम सेकंड लेयर यूज़ करेंगे तो हमें कौन सा शेड वहाँ पे, कौन सा टिंट, कौन सी टोन्स लगानी है वहाँ पे कलर्स की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट लेयर में ज़्यादा डिटेलिंग्स वर्क नहीं किया है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर में आपको ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको कलर का डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कलर के जो टोन्स हैं, कलर के जो शेड्स हैं, उनका डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट लेयर के अंदर। जब आप सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लेयर इस तरह की होनी चाहिए कि अगर आप सेकेंड लेयर में आपको गलत लग रहा है तो उसके जो कलर है वो आपका ढक जाए। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके जगह पे लगाना है कलर को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं फर्स्ट लेयर सारे जो हमारा क्लोथ्स है उसमें अप्लाई कर लिए मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की पेंटिंग्स अब निकल के आई है। यहाँ पे मैंने वीडियो शूट करी थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो शूट नहीं हो पाई। तो आप देख सकते हैं फाइनल वर्क जो निकल के आया है वो कैसा लग रहा है आपको, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कोड लगा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह का ये जो पेंटिंग्स है वो उभर के आई है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और भी ऑयल पेंटिंग की वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, और जो सनी देव वाली स्कल्पचर वर्क है वो भी आता रहेगा, तो वीडियोस को देखना ना भूलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।